तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गर्भावस्था के 23वें सप्ताह में दिखने वाले लक्षणों, भ्रूण में होने वाले बदलावों और सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका ध्यान आपको इस हफ्ते रखना होगा। प्रेगनेंसी के 23वें सप्ताह के लक्षण। नंबर 1, भूख अधिक लगना। पिछले कुछ हफ्तों की भांति इस हफ्ते भी भूख आपको सताते रहेगी, इसीलिए कुछ पोषक खाद्य पदार्थ हमेशा अपने पास रखें और समय समय पर खाते रहे। नंबर 2, अधिक पेशाब व योनि स्राव। आपके शरीर के निचले हिस्से में खून की मात्रा बढ़ने की वजह से आपको अधिक बार पेशाब या योनि स्राव का अनुभव हो सकता है, परंतु ये एक सामान्य प्रक्रिया है। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य ले। नंबर 3, दर्द व सूजन। इस दौरान आपको शरीर के विभिन्न भागों जैसे पीठ व पैरों में दर्द का अनुभव होगा। इसी के साथ पैरों व टखनों में हल्की सूजन भी देखने को मिल सकती है। नंबर 4, बदहजमी व कब्ज। गर्भावस्था के दौरान बदहजमी व कब्ज होना स्वाभाविक है। इसकी संभावना को कम करने के लिए आपको कम तली भुनी चीजें खानी चाहिए। फाइबर युक्त पदार्थ भी कब्ज दूर करने में सहायक है। नंबर 5, नाक बंद होना। बहुत सी महिलाएं नाक बंद होने व खर्राटे आने को लेकर परेशान हो सकती है। इसी के साथ हाथों में झुनझुनी लगने जैसी समस्या भी हो सकती है। गर्भावस्था के 23वें सप्ताह में बच्चे का विकास। इस समय आपके बच्चे का वजन लगभग 450 ग्राम होता है। उसकी लंबाई 11.2 इंच अर्थात 28.8 सेंटीमीटर के साथ वो एक बड़े आम के आकार का दिखता है। इस समय आपके बच्चे की त्वचा का रंग लाल होता है और वसा उत्तकों का विकास हो चुका होता है, परंतु त्वचा भी ढीली ढाली होती है, जिसका कारण वसा की तुलना में त्वचा का अधिक तेजी से बढ़ना होता है। इसी दौरान आप गर्भाशय की दीवारों जैसी सतह पर बच्चे की किक और घूंसे को महसूस कर सकेंगी। आपके शिशु के फेफड़े सर्फिडन नाम एक पदार्थ बनना शुरू हो जाएगा, जो शिशु जन्म के समय फेफड़ों में उपस्थित एल्वियोली को खुला करने में सहायक करता है। अब अल्ट्रासाउंड के द्वारा शिशु के हृदय में चैम्बर्स और प्रमुख रक्त वाहिकाएं जो हृदय को रक्त संचारित करती है उन्हें देखा जा सकता है। गर्भावस्था के 23वें सप्ताह के लिए आहार। गर्भावस्था में अच्छा खान पान और उसके लिए सही दिनचर्या का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। आगे हम आपको गर्भावस्था के इस 23वें सप्ताह में खान पान से जुड़ी सभी सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1, तरल पदार्थ। तरल पदार्थ आपके व आपके बच्चे की सेहत के लिए अत्यंत उपयोगी है। इनमें आप हाइड्रेटेड रहने के साथ साथ पोषक तत्वों को भी प्राप्त कर पाती है। इसके लिए आपको तरबूज का रस, खुबानी शेक, चुकंदर व गाजर के जूस का सेवन करना चाहिए। नंबर 2, विटामिन ए। विटामिन ए बच्चे की लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करने के साथ आपकी आंखों की ज्योति भी बरकरार रखता है। इसकी आपूर्ति के लिए आपको दैनिक आहार में अंडे की जर्दी, मक्खन व दूध आदि का सेवन करना चाहिए। नंबर 3, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन भी गर्भवती स्त्री के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। इसकी आपूर्ति हेतु शकरकंद, गाजर, पपीते व संतरे का सेवन करना चाहिए। नंबर 4, कोलेस्ट्रॉल स्तर। गर्भावस्था के दौरान कोलेस्ट्रॉल स्तर को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये प्लेसेंटा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। नंबर 5, कोल्ड ड्रिंक व कैफीन। हर तरह की कोल्ड ड्रिंक में अब आपको दूर रहना चाहिए तथा कैफीन युक्त पदार्थ जैसे चाय, कॉफी व चॉकलेट आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 6, शराब व धूम्रपान। शराब और धूम्रपान ये दोनों ही आपकी गर्भावस्था के दुश्मन है, इसीलिए ऐसे सभी मादक पदार्थों से उचित दूरी बनाकर रखें। गर्भावस्था के 23वें सप्ताह के लिए सलाह। आइए अब आपको आपकी सप्ताह से जुड़ी कुछ अन्य सावधानियों से अवगत कराते हैं, जिनमें इस हफ्ते क्या करें व क्या ना करें सम्मिलित है। हाइड्रेटेड रहे अर्थात दिन में 8 से 12 ग्लास जल का सेवन अवश्य करें। केगल नामक व्यायाम करना शुरू कर दे और एक ही स्थान पर लंबे समय तक न बैठे। तनाव न ले और खुश रहे, क्योंकि आपका तनाव में रहना आपके बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए स्वयं को खुश रखे और अपने परिवारजनों व मित्रों संग समय बिताए।
बिना डॉक्टर के सलाह के किसी भी दवा का सेवन ना करें और किसी भी प्रकार की शंका होने पर अपने चिकित्सक से अवश्य मिले। प्रीनेटल विटामिन का सेवन जारी रखें। तो दोस्तों, इस प्रकार आप गर्भावस्था के 23वें सप्ताह से जुड़ी इन सभी बातों को भली भांति समझ गई होंगी। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपके लिए बहुत सी जानकारी आपको फायदेमंद लगी हो। आपको आपके होने वाले बच्चों के लिए ढेर सारे शुभकामनाएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें।